हे दोस्तों, 1854 सोहो इंग्लैंड में कॉलेरा बीमारी फैल गई थी, जिसकी वजह से बहुत से लोगों की मौत हो चुकी थी। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि इस बीमारी का रीजन क्या है और ये सबको क्यों होती जा रही थी। सारे अथॉरिटीज को तब लग रहा था कि ये जरूर हवा की वजह से हो रही होगी, क्योंकि उस टाइम पे इंग्लैंड की हवा बहुत खराब हो चुकी थी। लेकिन तभी इस भयानक सिचुएशन में जॉन स्नो नाम के एक विजनरी डॉक्टर आते हैं, जो इस बारे में डीप रिसर्च करने लगते हैं अपनी पूरी जान लगा के, और फिर एक मैप बनाते हैं। इस मैप में वो फैक्ट्स, रीजंस और लोकेशंस मार्क करते हैं उन लोगों के जिन्हें कॉलरा स्टार्ट से होना चालू हुआ और जो लोग मर रहे होते हैं इस बीमारी से उनके। ये मैप बनाते हुए डॉक्टर स्नो को अचानक रियलाइज होता है कि ये सारा डेटा जो उन्होंने मार्क किया होता है मैप पे, वो बस एक ही चीज की तरफ इशारा कर रहे होते हैं, और वो चीज होता है एक पानी का पंप जो सोहो के एकदम बीच में लोकेटेड होता है। और फिर ये देखकर अचानक उन्हें समझ आ जाता है कि कॉलरा हवा से नहीं बल्कि पानी से फैल रहा है, जिसके बाद फिर वो फौरन ये आइडियाज और रिसर्च अथॉरिटीज को दिखाते हैं और उन्हें पानी के सप्लाई को बंद करने के लिए कन्विंस कर लेते हैं, जिससे फिर सब कुछ चेंज और सही होने लगता है। वो लोग पानी को प्यूरिफाई करते हैं और दुनिया को एक बहुत बड़ी चीज पता चलती है, जिससे बहुत से लोगों की जाने भी बच जाती है। ऑथर अपने करियर में काम करते हुए इस कॉलेरा की कहानी से बहुत बार टकराए थे, जिसने उन्हें बहुत इंस्पायर किया, बहुत कुछ सिखाया, और सबसे मेन इस स्टोरी पर रिसर्च करने के बाद उन्हें कुछ ऐसी सच्चाई पता चली जो ज्यादातर लोगों को नहीं पता थी। ज्यादातर लोगों को लगता था कि कॉलरा का पानी से होने का आइडिया जॉन को अचानक मैप बनाने के टाइम आया, जबकि रियलिटी ये थी कि डॉक्टर को ये आइडिया बहुत पहले से ही हो रहा था कि शायद कॉलरा पानी से होता है। इनफैक्ट सोहो में ये सिचुएशन होने के 6 साल पहले से वो इस थियरी पे काम कर रहे थे, और वो मैप जो उन्होंने बनाया था वो तो बस उन्होंने अथॉरिटीज के लिए बनाया था ताकि वो उन्हें कन्विंस कर पाए और अपनी थियोरी प्रूफ कर पाए। यहां तक कि कॉलरा पर रिसर्च करना उनका मेन काम नहीं था, ये उनकी बस एक हॉबी और एक साइड प्रोजेक्ट जैसा था जिसपे वो काम कर रहे थे अपने बोरिंग से काम के पैटर्न को ब्रेक करने के लिए। और एक और इंपॉर्टेंट बात, स्नो ने ये रिसर्च अकेले नहीं कंप्लीट की थी, बल्कि उनके साथ एक और इंसान था जिनका नाम हेनरी व्हाइटहेड था, जो एक लोकल विकर थे, मतलब एक चर्च के प्रीस्ट, जो कि जरा भी साइंस फील्ड से रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी वो इस रिसर्च का सबसे मेन हिस्सा थे, क्योंकि उनकी सोच और समझ स्नो से एकदम अलग थी, इसीलिए इस चीज से रिसर्च में काफी हेल्प मिली थी। और क्योंकि उनके कॉन्टैक्ट्स लोकल लोगों से बहुत अच्छे थे, इसीलिए वो आसपास के लोगों को अच्छे से जानते भी थे, जिसकी हेल्प से ही वो दोनों ने मिलके डिफरेंट केसेस को इजीली ट्रैक कर पाया था और डेटा जमा करके वो फाइनल मैप बना पाया, जो मेन रीजन था अथॉरिटीज को कन्विंस कर पाने का और उनकी थियोरी को प्रूफ कर पाने का। अब इस स्टोरी से और ऑथर के किए गए और बहुत सारे रिसर्च से, जो कि अलग अलग फील्ड में किए गए हैं, जैसे कि हिस्ट्री, बायोलॉजी एक्सेट्रा, इनसे ऑथर हमें बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट सिखाते हैं, जिनको फॉलो करके हम भी ग्रेट आइडियाज क्रिएट कर सकते हैं, जिनमें से पॉइंट नंबर 1 है लिक्विड नेटवर्क। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आपको क्या लगता है, ज्यादातर ग्रेट आइडियाज कहां से आते होंगे, मतलब स्पेसिफिकली कौन सी जगह से, तो ज्यादातर लोग शायद बोलेंगे कोई रिसर्च लैब से, जहां लोग एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं या ऐसा कुछ। लेकिन ऑथर कहते हैं नहीं, ज्यादातर आइडियाज तब नहीं आते जब आप अकेले बैठकर रिसर्च कर रहे हो किसी लैब में, बल्कि आइडियाज आते हैं ऐसी जगह पे जहां लोग फ्री माइंड के साथ अपने थॉट्स डिस्कस करते हैं एक दूसरे के साथ, जैसे कि किसी कॉफी शॉप या कैफेटेरिया में। इंग्लैंड में आइडियाज और इनोवेशन बहुत बढ़ गए थे जब लोगों ने शराब पीने के बजाय कॉफी पीना स्टार्ट कर दिया था कॉफी शॉप में जाके, जहां वो कॉफी पीते हुए अपने आइडियाज और थॉट्स अलग अलग फील्ड के लोगों के साथ शेयर करते थे। इसलिए हमें भी एक नेटवर्क और ग्रुप क्रिएट करना चाहिए लोगों का, जिनके साथ हम अपने थॉट्स एंड आइडिया शेयर और क्रिएट कर सके। और बेटर होगा अगर हम अपने नेटवर्क को डाइवर्स रखें, मतलब अलग अलग फील्ड के लोगों के साथ बात और डिस्कशन करें, बिकॉज इससे हमें हर चीज के अलग अलग पर्सपेक्टिव मिलेंगे, जो हमारे सिंपल से आइडियाज को भी इम्प्रूव करके उन्हें ग्रेट बना सकता है। दुनिया के कुछ सबसे ग्रेट आइडियाज किसी एक आदमी के अकेले रिसर्च करने पर नहीं बने हैं, बल्कि वो तो दूसरों के अलग अलग आइडियाज को खुद के आइडियाज के साथ जोड़ के या मॉडिफाई करके आए हैं। इसीलिए आप लोग भी एक तो ऐसा ग्रुप बनाओ जहां आप गॉसिप या फालतू बातें करने के बजाय बस आइडियाज की बातें करो, क्योंकि याद रखो, छोटी सोच वाले इंसान लोगों की बातें करते हैं, एवरेज सोच वाले इवेंट्स की बातें करते हैं, लेकिन जो ग्रेट इंसान होते हैं वो आइडियाज की बातें करते हैं। जब आप आइडियाज की बातें करोगे तो आपको और न्यू आइडियाज आएंगे, और जब आप उनको डिस्कस और शेयर करोगे तो इससे आपके वो सिंपल आइडियाज भी ग्रेट बन सकेंगे। पॉइंट नंबर 2, ब्रेक द पैटर्न। जब एक इंसान कोई सेम रूटीन अपनी लाइफ में रिपीट करता रहता है रोज रोज, तब यूजुअली उसका ब्रेन कुछ न्यू और ग्रेट आइडियाज सोच नहीं पाता, क्योंकि उसको जरूरत ही नहीं पड़ती।
लेकिन फिर जब वो अपना पैटर्न ब्रेक करके कुछ नया करता है, जैसे कि कोई न्यू प्लेस जाता है या न्यू लोगों से मिलता है या कुछ भी अलग करता है यूजुअल से, तब फिर उसका ब्रेन न्यू तरीके से काम करना स्टार्ट कर देता है, जिससे उसको न्यू और ग्रेट आइडियाज आने के चांस भी बढ़ जाते हैं। इसीलिए आप भी अपनी लाइफ में थोड़ा केओस रखो, इससे आपके ब्रेन को ग्रेट आइडियाज पैदा करने में हेल्प मिलेगी। पॉइंट नंबर 3, आइडियाज जनरली इवॉल्व ओवर टाइम एज स्लो हंचेस। ज्यादातर लोगों को लगता है कि ग्रेट आइडियाज लोगों को अचानक से आते हैं एक यूरेका मूवमेंट के साथ, मतलब अचानक से कुछ चीजें होती है और किसी एक आदमी के दिमाग की बत्ती जल जाती है, जिससे उसे एक ऑसम आइडिया आ जाता है जो सब कुछ बदल देता है। पर ये मोस्टली सच नहीं है, क्योंकि ज्यादातर ग्रेट आइडियाज बहुत सारा टाइम लेके स्लो हंचेस में बनते हैं। टिम बर्नर्स ने एक बुक पढ़ी थी जिससे इंस्पायर होने के बाद उन्होंने ऑलमोस्ट 20 साल तक इस टॉपिक पे काम किया, तब जाके वर्ल्ड वाइड वेब, जो इंटरनेट का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, ये आइडिया एग्जिस्टेंस में आया और रियलिटी बन पाया, जिसका यूज आज हम सब करते हैं और इनफैक्ट आप शायद अभी भी कर रहे हो। और ऐसे ही ग्रेट आइडियाज के बहुत से एग्जाम्पल्स है जो मैंने लीन स्टार्टअप की वीडियो में बताया है, जो टाइम के साथ धीरे धीरे डेवलप होते गए और दुनिया के कुछ सबसे ग्रेट आइडियाज बन पाए। इसीलिए आप ये मत एक्सपेक्ट करो कि आप सोचते रहोगे और एक दिन अचानक से आपको एक ब्रिलियंट आइडिया आ जाएगा जो आपको सक्सेसफुल बना देगा, बल्कि आप अपने एक नॉर्मल से आइडिया के साथ ही एक्शंस लेना स्टार्ट कर दो। टाइम के साथ वो आइडियाज भी डेवलप और इम्प्रूव होता जाएगा, या फिर एटलीस्ट इस प्रोसेस में आपको कोई दूसरा बेटर आइडिया आ जाएगा जो आपको सक्सेसफुल बना देगा। ये बातें मैंने आपको वेर गुड आइडियाज कम फ्रॉम इस बुक से बताई है। अगर आप आइडियाज के बारे में और समझना चाहते हो कि वो एग्जैक्टली कैसे क्रिएट होते हैं, तो आप ये बुक डिस्क्रिप्शन में जाके खरीद सकते हो। और एक इंपॉर्टेंट बात, मेरे ऐप को लॉन्च होने इतना टाइम लग रहा है क्योंकि कुछ टेक्निकल इश्यूज हो गए हैं जो सॉल्व होने बहुत ज्यादा टाइम ले रहे हैं, पर आप फिक्र ना करें, जैसे ही इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे मैं आपको फौरन इन्फॉर्म कर दूंगा। अभी के लिए अगर आप मेरी वीडियोस को कभी मिस नहीं करना चाहते तो आप सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल के होम पे जाके उधर बने बेल पे क्लिक कर दें, इससे जब भी मैं एक न्यू वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। अप टू एंड दिस, लाइक करें अगर आपको ये बातें काम की लगी, अपने व्यूज कमेंट करें, शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, सब्सक्राइब करें, मैं और ऐसी काम की बातें आपके साथ शेयर करता रहूंगा यूजुअली हर वीक। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।